नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। आज मैं आप लोगों को MAEC 111 समष्टि भावी अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं अवधारणा बताऊंगा। राष्ट्रीय आय का अर्थ है कि एक किसी भी देश में निश्चित समयावधि में, अर्थात एक वर्ष हम ले लेते हैं, के दौरान जो भी उत्पादन किया जाता है, उन सब का उत्पादन का अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय में मुख्य दो बातें होती हैं। एक तो जिस किसी देश में जो भी उत्पादन किया जाता है, पदार्थ उत्पादन वस्तुएँ एवं सेवाओं का, उनमें हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की बात करते हैं और उनका मौद्रिक मूल्य के रूप में हम वर्णन करते हैं। क्योंकि यदि हम मौद्रिक मूल्य के रूप में उनका वर्णन नहीं करेंगे तो ये बहुत सामान्य सी बात है कि हम नेशनल इनकम को किलोग्राम में या मीटर में या सेंटीमीटर में नहीं दर्शा सकते। इसलिए हम इसको कहते हैं कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, यही जो है टोटल आपका ये राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसका जो मेन अवधारणा है यह हमारा सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय आय उत्पाद के रूप में जाना जाता है। इसके और टर्मिनोलॉजी होते हैं लेकिन मुख्यतः जो मुख्य बेस है उसका ये सकल घरेलू उत्पाद है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। तो सकल घरेलू उत्पाद जो है, इसमें ये होता है कि जो हमारी आर्थिक क्षेत्र की सीमा होती है, किसी देश की जो आर्थिक क्षेत्र की सीमा होती है, उसके अंतर्गत जो भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद होता है। और जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद आय होती है वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो देश है उसके निवासियों द्वारा, चाहे वे आर्थिक क्षेत्र में हों या आर्थिक क्षेत्र के हमारे बाहर हों, में जो उत्पादन किया जाता है वह हमारा सकल राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आता है। ये सकल घरेलू उत्पाद, तो सकल घरेलू उत्पाद एक वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर होने वाले अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापता है। जैसा कि मैं भी आपको बताया कि यह मुख्य रूप से क्या है कि घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर जो हमारी घरेलू आर्थिक सीमा है उसके भीतर जो हम उत्पादन करते हैं, उस उत्पादन का अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो कुल उत्पादन किया जाता है उसकी माप जो हम मुद्रा के रूप में करते हैं वह हमारा सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। जैसा कि मैं आपको बताया कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की बात इसलिए करते हैं क्योंकि कई उत्पादन के ऐसे पदार्थ होते हैं जहां मध्यवर्ती वस्तुओं की एंट्री होती है। मध्यवर्ती वस्तुओं की एंट्री में हम दोहरी गणना की समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं, अर्थात जो हम कैलकुलेशन करते हैं राष्ट्रीय आय की, उसमें जो है एक वस्तुओं को हम दो बार काउंट या तीन बार काउंट कर लेते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय की वास्तविक स्थिति के विषय में पता नहीं चल पाता। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी निश्चित अवधि में किसी देश के नागरिकों के स्वामित्व वाले उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम उत्पादों और सेवाओं के कुल मूल्य का अनुमान है। जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है या आय है, इसमें हम अपने देश के निवासियों के द्वारा जो उत्पादित किया जाता है, वे निवासी अपने देश में हों या बाहर हों, अर्थात अन्य देश में हों, उनके उत्पादन का जो माप होता है वो भी हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कैलकुलेट करते हैं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहेंगे आपको। उदाहरण के लिए आप ये जानिए कि जैसे भारतीय दूतावास के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, तो जो उनके द्वारा वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा या जो आय का अर्जन किया जाएगा वह भारत के संदर्भ में यदि कहें तो उस भारत के सकल घरेलू उत्पाद के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा, जबकि वह
भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में काउंट किया जाएगा। यही यदि वे अमेरिका यूएसए में रहते हैं तो अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में जो भारतीय दूतावास के हैं जो उत्पादन एवं सेवाओं या आय में जो सृजन करते हैं वह अमेरिका के जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उनका कैलकुलेशन माना जाएगा, जोड़ा जाता है, लेकिन वह अमेरिका या यूएसए के राष्ट्रीय जो जीएनपी होता है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट उसमें इनकी काउंटिंग नहीं की जाती है। इसको एक हम साधारण उदाहरण द्वारा और हम समझा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए भारत की जापान की कोई मोटर व्हीकल बनाने वाली कंपनी इंडिया में है तो उसके द्वारा जो उत्पादन किया जाएगा उसका जो आय का हम कैलकुलेशन करते हैं उसको हम भारत के जीडीपी में काउंट करते हैं, लेकिन वह भारत के जीएनपी में काउंट नहीं किया जाता, गणना नहीं किया जाता है, और वह जापान के जीडीपी में काउंट नहीं किया जापान के जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा जबकि वह जापान के जीएनपी में काउंट किया जाएगा। घरेलू आर्थिक क्षेत्र, यह भारत सरकार द्वारा प्रशासित भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति, वस्तुएं और पूंजी स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकती हैं। यह जो है भारत सरकार द्वारा प्रशासित भौगोलिक क्षेत्र अर्थात जो भारत की ज्योग्राफिकल टेरिटरी है उसके अंतर्गत व्यक्ति, वस्तु और पूंजी स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकती है। भारत में स्थित विदेशी दूतावास घरेलू आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। हालांकि विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास घरेलू आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है, जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि विदेशी दूतावास के विषय में जो हमारी धारणा है कि यह घरेलू में आएगा अर्थात हमारे जीडीपी में आएगा या जीएनपी में आएगा, यह आर्थिक क्षेत्र द्वारा क्लियर किया जा सकता है। जैसे जीडीपी में जो हमारा ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है अर्थात सकल घरेलू उत्पाद है उसमें ये नहीं आएगा और जीएनपी में आएगा, और इसी तरह अन्य देशों के लिए भी यह माना जाता है। बाजार मूल्य, जब हम जीडीपी और जीएनपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं इसमें मुख्य रूप से एक धारणा आती है बाजार मूल्य, एक धारणा आती है लागत मूल्य। तो बाजार मूल्य के कॉन्सेप्ट में हम ये जानते हैं कि बाजार मूल्य उस मूल्य को संदर्भित करता है जो उपभोक्ता को विक्रेता से उत्पाद खरीदते समय उत्पादन के लिए भुगतान करना पड़ता है, अर्थात जो हम खरीदते समय जो हम भुगतान करते हैं वह हमारा बाजार मूल्य है। उसको हम अन्य शब्दों में यह समझ सकते हैं कि यह वह मूल्य है जिस पर किसी उत्पाद को बाजार में बेचा जाता है। बाजार मूल्य में अप्रत्यक्ष कर शामिल है और सब्सिडी को बाहर रखा जाता है। इस संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि जब हम जैसे जीएनपी की बात करें अर्थात ग्रास नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो जीएनपी एमपी, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, जीएनपी एमपी जो है वह हमारा बाजार मूल्य शो करता है और जीएनपी एफसी जिसको हम फैक्टर कास्ट कहते हैं वह हमारी साधन लागत होती है वह बताया जाता है। जैसे ये जो है बाजार मूल्य में अप्रत्यक्ष कर शामिल है, जब हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं चाहे वह जीडीपी का हो चाहे वह जीएनपी का हो उसमें हमारा इनडायरेक्ट टैक्स इंट्री होती है अर्थात हम जोड़ते हैं और जो सब्सिडी है इसको हम बाहर रखते हैं क्योंकि सब्सिडी हमारे फैक्टर कास्ट अर्थात साधन लागत का भाग है। सेम इसी पैटर्न पर हमारा जीडीपी होता है, जिस पैटर्न पर हमारा जीएनपी होता है एमपी एफसी उसी आधार पर जीडीपी एमपी एफसी होता है। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को हम देखते हैं कि बाजार मूल्य अर्थात जीडीपी या जीएनपी के मार्केट प्राइस में हम इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ लेते हैं और सब्सिडी को घटा देते हैं। उसी तरह जो फैक्टर कास्ट होता है उसमें हम साधन लागत अर्थात फैक्टर कास्ट को जोड़ लेते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को हम घटा देते हैं। साधन लागत, जिसके विषय में अभी संक्षेप में मैं आपसे चर्चा किया हूँ, साधन लागत उत्पादन के कारकों की लागत को संदर्भित करता है अर्थात जो हम प्रोडक्शन उत्पादन करते हैं जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो लगाए जाते हैं उनकी लागत क्या है, उनको हम क्या मूल्य देते हैं, वही उत्पादन करते समय व्यय किया जाता है जो उनको हम पे करते हैं। यह किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन की लागत है।
साधन लागत में अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते क्योंकि वह उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित नहीं होते, लेकिन प्राप्त सब्सिडी शामिल होती है। अभी मैं इसका संक्षेप में चर्चा किया हूँ आपसे कि साधन लागत में अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होता क्योंकि जो है बाजार से रिलेटेड है, उत्पादन से इसका कोई संबंध नहीं है, और जो सब्सिडी होती है इसका उत्पादन से संबंध होता है। सब्सिडी को हम साधन लागत फैक्टर कास्ट में जोड़ लेते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है इसको हम घटा देते हैं। यही सेम अपोजिट हो जाता है जब हम मार्केट प्राइस अर्थात बाजार मूल्य में करते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर को जोड़ लेते हैं और सब्सिडी को हम घटा देते हैं। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास को बताने के पहले मैं ये आपको इस अवधारणा को बताना चाहता हूँ कि जैसे GDP GNP होता है उसी तरह से NDP NNP होता है। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट। अर्थात GDP और NDP में एक बेसिक अंतर होता है, वह मूल्य ह्रास का होता है। GDP को हम सकल कहते हैं, अर्थात इसमें मूल्य ह्रास जो है इंक्लूड होता है। जब हम GDP अर्थात सकल में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, चाहे कोई भी हमारा फंडामेंटल हो, GDP का हो चाहे हमारा GNP का हो, उसमें से जब हम डिप्रिसिएशन मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तब हमारा शुद्ध आ जाता है नेट, चाहे NDP का मैटर हो चाहे NNP का मैटर हो, तो हमारा ये आ जाता है। तो मूल्य ह्रास जिसे निश्चित पूंजी की खपत के रूप में जाना जाता है, टूट फूट, आकस्मिक क्षति और अप्रचलन के कारण अचल संपत्तियों के मूल्य में होने वाली हानि को संदर्भित करता है। डिप्रिसिएशन माने ह्रास, एक निश्चित समय के बाद जो मशीनरी में या जो पूरे सिस्टम में टूट फूट होती है, कोई नुकसान होता है, उसको हम मूल्य ह्रास जिसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं के रूप में जाना जाता है। अब इसी मूल्य ह्रास को जब हम सकल से अर्थात चाहे हम GDP की बात करें चाहे GNP की बात करें, तो GDP माइनस D मतलब डिप्रिसिएशन करेंगे तो इक्वल टू आएगा हमारा GDP में से D घटाएंगे आ जाएगा NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी तरह GNP में से यदि माइनस करते हैं D को तो हमारा आ जाएगा NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या आय। अब इसी का एक है सकल मूल्य वर्धित। सकल मूल्य वर्धित किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग की गई मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापता है। यह उत्पादन प्रक्रिया में श्रम और पूंजी के योगदान को दर्शाता है। सकल मूल्यवर्धन की बात जहाँ तक है उसमें एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे कोई उत्पादन किया जाता है, उस उत्पादन में जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के साधन लगते हैं, वह उत्पादन के साधन बार बार यदि रिपीट होते हैं तो हम जब कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, तो हो सकता है इसमें गलती की वजह से हम दोहरी गणना कर लें। इसको हम आपको एक उदाहरण द्वारा समझाना चाहूँगा। मान लीजिए कि ब्रेड बनाने की कोई फैक्ट्री है जहाँ ब्रेड बनता है, ब्रेड बनने के बाद हम ब्रेड की कीमत को अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के रूप में मान लेते हैं कि ब्रेड हमारी अंतिम उत्पाद है जिसको हम अब इसके बाद उपभोग में ले आते हैं। तो ब्रेड की कीमत मैंने जोड़ लिया, मुद्रा के रूप में कन्वर्ट करके जोड़ लिया कि इतना हुआ, वो हमारे नेशनल इनकम में जोड़ लिया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि ब्रेड बनाने के पहले के जो रॉ मटेरियल्स हैं अर्थात मैदा हम उसको कह सकते हैं जो कि गेहूं से बनाया जाता है, अब प्रश्न उठता है यदि गेहूं को भी एक बार मैंने नेशनल इनकम में जोड़ लिया, फिर मैदा को भी एक बार नेशनल इनकम में जोड़ लिया, फिर मैदे के द्वारा जो ब्रेड बनता है उसको भी एक बार मैंने नेशनल इनकम में जोड़ लिया, अर्थात वो गेहूं ही मूल है, मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेहूं है, उसको एक बार मैदे के रूप में और लास्ट अंतिम सेवा वस्तु के रूप में ब्रेड में काउंट कर लिया। अर्थात इस तरह से यदि हम काउंट करते हैं तो दोहरी गणना के शिकार हो जाते हैं, जो कि ये शो करता है कि हमारी नेशनल इनकम देखने में तो बहुत ज़्यादा होगी लेकिन वास्तव में नेशनल इनकम कम रहती है। क्यों? क्योंकि गेहूं और मैदे को हम ब्रेड में दो बार रिपीट करके जोड़ लिए हैं। इसी दोहरी गणना से बचने के लिए मूल्य संवर्धन की बात की जाती है कि जिस जिस स्तर पर
हम रॉ मटेरियल को आगे बढ़ाते जाते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट आगे होता जाता है, उस आधार पर जो गैप होता है प्राइस का या हम कह दें कास्ट की, उसको हम घटाते जाते हैं। घटाने के बाद जो एक अमाउंट एक्स्ट्रा एक्सेस होता है वही हम एट लास्ट में जोड़ देते हैं, मूल्य संवर्धन वही है। उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग की गई मध्यवर्ती वस्तुएं, इस जो गेहूं है या जो मैदा है उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं, क्योंकि वह बीच में आते हैं। रॉ मटेरियल से लेकर अंतिम वस्तु एवं सेवा के बीच में ये हमारी मध्यवर्ती वस्तुएं आती हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत एक बार जोड़ ली गई होती है, इसलिए इस लागत को या जो डिफरेंसेस आते हैं घटाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय आय का तात्पर्य सकल राष्ट्रीय आय में से अचल पूंजी संपत्तियों के मूल्यह्रास को घटाने से प्राप्त आय से है। इस प्रकार इसके अंतर्गत मूल्यह्रास के कारण होने वाले नुकसान को ध्यान में रखा जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय आय की चर्चा अभी हम डिप्रिसिएशन जब मैं बता रहा था आपको, उस टाइम पर मूल्यह्रास जो बताया हूँ वह एटला इसी से ही रिलेटेड है। शुद्ध राष्ट्रीय आय अर्थात नेट नेशनल इनकम, इसको नेट नेशनल प्रोडक्ट भी हम कहते हैं। ये जो हमारा नेट नेशनल इनकम है ये हमारा GNP माइनस डिप्रिसिएशन, जैसा कि मैं अभी आपको बताया हूँ कि GNP माइनस डी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में से डिप्रिसिएशन को घटाने के बाद हमारा नेट नेशनल इनकम आता है वो यही है। इसमें यही कहा गया है कि जो हमारा मूल्यह्रास के कारण जो नुकसान होता है सकल अर्थात संपूर्ण में से उसको हम घटा देते हैं तो हमारा शुद्ध राष्ट्रीय आय आ जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय आय को मापने के प्रमुख तरीके शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तो है ही, शुद्ध घरेलू उत्पाद से अभिप्राय सकल घरेलू उत्पाद से मूल्यह्रास घटाकर प्राप्त होने वाले उत्पाद से है। सेम टर्मोलॉजी पहले जैसी ही है कि जहाँ हम सकल की बात करते हैं, जब हम सकल की बात करते हैं तो उस सकल में हमारा डिप्रिसिएशन इंक्लूड रहता है, अर्थात जो टूट फूट या मूल्यह्रास जो नुकसान होता है सकल में इंक्लूड होता है। चाहे हम घरेलू की बात करें चाहे राष्ट्रीय की बात करें, जब हम इस टूट फूट नुकसान को हानि को घटा देते हैं तो हमारा शुद्ध आता है, अर्थात हमारा डिप्रिसिएशन को जब हम सकल से या ग्रास से घटाते हैं तो शुद्ध का कॉन्सेप्ट आता है, चाहे वह हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो चाहे हमारा वो नेशनल प्रोडक्ट हो, दोनों का सेम फार्म होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास घटाकर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाती है। इसी आधार पर जो NDP या NNP की बात आती है, जैसे मैं आपको बताया हूँ अभी कि GDP GNP में MP होता है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, उसी तरह शुद्ध घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में भी NDP MP अर्थात शुद्ध घरेलू उत्पाद मार्केट प्राइस बाजार मूल्य पर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मार्केट प्राइस बाजार मूल्य पर, शुद्ध घरेलू उत्पाद फैक्टर कास्ट साधन लागत पर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद फैक्टर कास्ट साधन लागत पर। इसका जो फंडामेंटल GDP और GNP में था मार्केट प्राइस फैक्टर कास्ट में, उसी तरह इसमें भी होगा कि मार्केट प्राइस अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का बाजार मूल्य के रूप में कैलकुलेशन करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स को हम जोड़ लेते हैं, सब्सिडी को घटा देते हैं, उसी तरह शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद में भी हम मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ लेते हैं और हम इसको सब्सिडी को हम घटा देते हैं। इसमें जब फैक्टर कास्ट की बात आती है अर्थात साधन लागत की बात आती है, दोनों भी कॉन्सेप्ट में शुद्ध घरेलू उत्पाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में, उसमें हम सब्सिडी को जोड़ देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम घटा देते हैं। इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, इसमें इंक्लूडेड नहीं है, एक होता है आय पर्सनल व्यक्तिगत आय, और व्यक्तिगत आय से ही रिलेटेड होता है हमारा व्यय योग्य आय। पर्सनल आय का मतलब होता है कि हमारा पर्सनल इनकम कितनी है, अर्थात हमारी पर्सनल अपने स्रोतों से जो हमारा आय प्राप्त होता है वह हमारी आय हो गई। अब जो व्यय योग्य आय होती है डिस्पोजल इनकम जिसको कहते हैं,
वह हमारे पर्सनल आय में से जो हमारे इनकम टैक्सेस होते हैं, मेरे जो टैक्सेस होते हैं, उसको हम घटा देते हैं। अर्थात जो हमारी पीआई होती है, पर्सनल इनकम होती है, वह हमारी व्यय योग्य आय नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पर्सनल इनकम में हमारा टैक्सेस जुड़े हुए होते हैं, अर्थात उस टोटल पर्सनल इनकम को हम खर्च नहीं कर सकते। ये अलग मैटर है कि यदि हमारी आय जीरो है तो ठीक है, पर्सनल इनकम माइनस जीरो इज इक्वल टू पीआई अर्थात व्यक्तिगत आय बराबर हो सकती है। लेकिन इसका कांसेप्ट यह है कि पर्सनल इनकम में हमारी जो टैक्सेस जुड़े हुए होते हैं उसको जब हम घटाते हैं तब हमारी वह व्यय योग्य आय बनती है, जिसको डिस्पोजल इनकम कहते हैं। आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम मेजरमेंट, कैसे हम नेशनल इनकम को किस किस विधियों द्वारा हम मापते हैं उसको बताएंगे। धन्यवाद।